यूट्यूब चैनल। इस तरह की एडिटिंग वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आता पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हम क्रिएटिनो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फुल स्क्रीन करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। कर देने के बाद यहाँ से एक बैकग्राउंड चूज कर लेंगे। चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ से कोई एक बैकग्राउंड। लेने के बाद इसको बैकग्राउंड को पहले चूज कर लेंगे, हम ले लेंगे। लेने के बाद इसको बैकग्राउंड इतना बढ़ा देंगे, थोड़ा अपने हिसाब से बढ़ा देना। इसको जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद यहाँ लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ से एक फ्रॉम ले लेंगे, एक आज का पेंजी ले लेंगे। लेने के बाद इसको बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद इसको चाबी के आइकन पर क्लिक करेंगे, लास्ट में प्लस लगा देंगे। लगाने के बाद इसको धीरे धीरे आगे कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको भी बैकग्राउंड इतना बड़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कर देने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे। यहाँ से ये पेड़ का पेंजी ले लेंगे। लेने के बाद फुल स्क्रीन कर लेंगे इसको भी। करने के बाद इसको भी बैकग्राउंड इतना बढ़ा लेंगे। चलिए मैं बढ़ा लेता हूँ। बढ़ाने के बाद यहाँ से इस फ्रेम में अपना फ़ोटो सेट, कोई भी फ़ोटो सेट कर देना। चलिए मैं फ़ोटो एक लगा लेता हूँ इसमें। आप चाहे तो कोई भी फ़ोटो सेट कर सकते हैं, यहाँ पे अपना भी फ़ोटो सेट कर सकते हैं। चलिए मैं फटाफट यहाँ पर फ़ोटो लगा लेता हूँ। कर देने के बाद इसको सेंड टू बैक कर देंगे। कर देने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे। यहाँ से एक और फोटो कॉपी एंजल लेंगे। चलिए मैं ले लेता हूँ, यहाँ से फोटो ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ से इसको भी सेंड टू बैक कर देंगे। इसको क्रॉपिंग पे जाके इतने कर देंगे। इसको भी बैकग्राउंड इतना बढ़ा लेंगे। चलिए मैं बढ़ा लेता हूँ। लेयर पे जाएंगे, लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे। एक और फोटो कॉपी फोटो ले लेंगे। चलिए मैं ऐसे ले लेता हूँ कोई एक। लेने के बाद इसको भी छोटा करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसको भी सेंड टू बैक कर देंगे। करने के बाद इसको भी क्रॉपिंग कर लेंगे थोड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको भी बैकग्राउंड इतना बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद यहाँ से लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे। यहाँ से फोटो को पेंज ले लेंगे। चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ से। लेने के बाद यहाँ से इसको सेट कर लेंगे। इसको भी बैकग्राउंड इतना बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे। यहाँ से ये वाला पेंज ले लेंगे। लेने के बाद इसको बड़ा कर लेंगे, इतना पकड़ देंगे। कर देने के बाद यहाँ से चाबी के आइकन पर क्लिक करेंगे, लास्ट में प्लस लगा देंगे। लगाने के बाद इसको धीरे धीरे आगे कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोटो पर क्लिक करेंगे, इसको भी चाबी के आइकन पर क्लिक करेंगे, लास्ट में प्लस लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये इतना पकड़ देंगे। कर देने के बाद लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे। यहाँ से एक और ले लेंगे, ये वाला घास फिर ले लेंगे। लेने के बाद इसको भी बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ से इस चाबी वाले आइकन पर क्लिक करके लास्ट में प्लस लगा देंगे। लगाने के बाद इसको भी धीरे धीरे आगे कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इतना बढ़ा लेंगे। इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ से लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे। यहाँ से एक ग्रीन वाला टेम्पलेट लगा लेंगे। यहाँ से जो बड़ा है इसको कट कर लेते हैं पहले तो हम। कट करने के बाद इसको भी फुल स्क्रीन कर लेंगे। कर देने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग पे जाके स्क्रीन कर लेंगे, सॉरी क्रोमोके पे जाके यहाँ से अलाउ कर देंगे।
करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं इसका साउंड बंद कर लेंगे। यहाँ से आप चालू करके देख सकते हैं कितना देखने में अच्छा लग रहा है। कर दीजिए सब्सक्राइब, कर दीजिए चैनल को, वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक्स।